जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इंडियन आर्मी में एक नई परमानेंट भर्ती आ चुकी है 10वीं पास, जिसमें आपकी उम्र सीमा भी 17.5 से लेकर के 25 साल मांगी गई है। जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 के बाद हुआ है, वो सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ करके सुनाऊंगा, साथ ही आप कहाँ से उस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो ये भी बताऊंगा। और इस इंडियन आर्मी की जो भर्ती होने वाली है, आपकी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार और हवलदार के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें आवेदन करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आपका रिटर्न एग्जाम भी नहीं कराया जाएगा, यानी कि फिजिकल के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल भी एज पर क्वालिफाई है, यानी कि नीड क्वालिफाई है, यानी कि आप सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई कर देते हो, 1600 मीटर की रेस 5:45 में कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें अब क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें और आने वाली पल पल की अपडेट जिससे आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आकर के यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो 5 जून 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन ओपन कर लेना। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर करके भेजना होगा। कहाँ पर भेजना होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये फॉर्म हो जाता है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फॉर्म दिया हुआ है। और इसमें जो आवेदन करने की लास्ट डेट रहने वाली वो आपकी 30 सितंबर रहने वाली है आवेदन करने की, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की, देरी ना करते हुए। इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल, यानी कि इसमें इंडियन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई हो, यानी कि अनमेरिड चाहिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अपेयर इन रिक्रूटमेंट ट्रायल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सन, यानी कि स्पोर्ट्सन के लिए भर्ती होने वाली एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार, यानी कि हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर स्पोर्ट्स इंटेक 2/2024 अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री, यानी कि जो ये भर्ती होने वाली है डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर होने वाली है। और इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। यानी कौन कौन से स्पोर्ट्स वो आपके नीचे दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ करके बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं स्पोर्ट्स में कौन कौन से इवेंट्स में आपने हिस्सा लिया हो इसमें आवेदन करने के लिए। स्पोर्ट डिसिप्लिन बात करते हैं, इंडियन आर्मी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ट्रायल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड एट, यानी कि इंटरनेशनल में आवेदन किया, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया हुआ आपने, या फिर आपने जूनियर एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो, या फिर खेलो इंडिया गेम्स में, या फिर यूथ गेम्स में आपने हिस्सा लिया हो, और हिस्सा आपने 1 अप्रैल 2022 से के बाद में 31 मार्च 2024 से पहले, ठीक है। ये इस बात का वैसे ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आप स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो, ये सारे स्पोर्ट्स दिए हुए हैं इधर की लाइन में, और इधर की लाइन में आपके स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके इवेंट पोजिशन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर वो पढ़ लेना आप, ठीक है ना, इसको पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आप आवेदन करना। जैसे कि हम बात करते हैं आर्चरी, आर्चरी में आपके कौन कौन है, सिर्फ मेल और मैन और वुमेन दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बास्केटबॉल में सिर्फ मैन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ मैन आवेदन कर सकते हैं। इस बात का वैसे ध्यान रखना, जिसमें मैन और वुमेन दोनों हो तो उसमें दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ जिसमें मैन दिया हो तो उसमें वुमेन आवेदन ना करे, ठीक है, इस बात का वैसे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वालिफिकेशन बारे में, आपको जो फॉर्म भर के भेजना होगा इस वाले एड्रेस पर फॉर्म भर के भेजना होगा, ठीक है, इस बात का वैसे ध्यान रखना। उसके बाद इसके जो देख सकते हो यहाँ पर सबमिनेशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम सेल कॉमेंस फ्रॉम 1 जून 2024, यानी कि 1 जून 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली 30 सितंबर 2024 रहने वाली। एजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हो एज लिमिट 27.5 से 25 साल, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 के बाद हुआ है और 30 सितंबर 2006 से पहले हुआ, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सिर्फ 10वीं पास, यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी जो नायब सूबेदार की एंट्री होने वाली है उसमें भी यही क्वालिफिकेशन दी हुई है, 17.5 से 25 साल की उम्र सीमा, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 के बाद 30 सितंबर 2006 से पहले हुआ, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल आपको एज पर नॉर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि जो आपका आर्मी में जैसे होता वही होगा, जो आपका फिजिकल और मेडिकल होगा सेम आर्मी की तरह, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप वुमेन का क्राइटेरिया देख सकते हो, वुमेन के बारे में दिया हुआ है, मेरिटियल स्टेटस दिया हुआ है। उसके बाद पे अलाउंस के बारे में दिया हुआ है, यानी कि एक परमानेंट भर्ती होने वाली है, इसमें आपको सारा कुछ पेंशन वगैरह सब कुछ मिलने वाली है, ठीक है ना, ड्रेस वगैरह सब कुछ इनकी तरफ से मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका क्या होगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में क्या होगा, आपका जो आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा उसको वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई होने के बाद जैसे अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड में भेजने के बाद में आपका क्या होगा, ट्रायल होगा, जिस गेम से आप जुड़े हुए हैं उस गेम का आपका ट्रायल लेंगे। ट्रायल लेने के बाद में उस गेम के ट्रायल में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको क्या होगा, फिर फिजिकल देना होगा। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो वेट आपका जो आर्मी का चार्ट होता है
वेट का, जो आप जॉइन इंडियन आर्मी की जो भर्ती देखते हो अग्निवीर की, जो उसमें चार्ट होता है वही चार्ट इसमें लगने वाला है, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। चेस्ट आपकी जितनी भी होगी उससे एक्स्ट्रा आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसमें आपका ट्रायल में जो पास हो जाता है उनका 1600 मीटर का रन होगा, रन में आपको 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया होगा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। 9 फीट की डिच होगी जिग जैक, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होंगे, इसमें बीम नहीं होने वाली आपकी, ठीक है, बीम नहीं है इसमें। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हाइट इसमें आपकी 162 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल हो तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें आप देख लेना हाइट के बारे में, यहाँ पर दिखा हुआ वेस्टर्न हिमालयन यहाँ पर 163-160 सेंटीमीटर, वेस्टर्न प्लेन्स 170 सेंटीमीटर, जो प्लेन उसमें रहते समतल जगह पर, वेस्टर्न ईस्टर्न प्लेन 169 सेंटीमीटर, सेंट्रल प्लेन 168 सेंटीमीटर, यानी कि पहाड़ी प्लेन उस हिसाब से दिया हुआ। आप इसमें देख लेना आपकी हाइट यहाँ पर दी हुई है मेल कैंडिडेट होगी, मेल कैंडिडेट की हाइट दी हुई है, ठीक है ना। इसमें एक बार पढ़ लेना आप नोटिफिकेशन में, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, वेट आपका हाइट के हिसाब से मांगा जाएगा। चेस्ट में आपका कोई चेस्ट तो आपको पता ही है उनका चेस्ट नपता नहीं है, फीमेल कैंडिडेटों का चेस्ट नहीं होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इसमें भी इनका जो फिजिकल होगा 8 मिनट में इन्हें 1600 मीटर की रन करनी होगी, वो इनको सिर्फ क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। इसमें उसके बाद 10 फीट की लॉन्ग जंप होगी, वो भी सिर्फ क्वालिफाई करनी होगी, 3 फीट की हाई जंप होगी, ये भी सिर्फ इन्हें क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा आपका इंडियन आर्मी में होता है उस हिसाब से होगा, बॉडी टैटू की गाइडलाइन दी हुई है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो जो आपके पास एजुकेशन वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगानी होगी, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार और डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डोमिसाइल भी आपका तहसीलदार या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बना हुआ। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर आपका धर्म का नाम दिया हुआ नहीं है तो आपके लिए रिलीजन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यानी कि आप पार्षद या सरपंच से बनवा सकते हो। अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये भी आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आप तहसीलदार से या फिर अपने उससे तहसीलदार नहीं सॉरी पार्षद या सरपंच से बनवा सकते हो। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स किट, यानी कि जो जो आपके स्पोर्ट्स के पास थे जब फिजिकल का ट्रायल देने के लिए आओगे ना आप, तो आपको अपने साथ में स्पोर्ट्स की किट भी अपने साथ में लेकर के लानी होगी। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दिया हुआ। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ में क्लियर ही बताया हुआ है इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, वो आपको जो एड्रेस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, उस एड्रेस पर भेजना होगा। उसे भेजने के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जिनको जो इनके सर्टिफिकेट रहेंगे वो सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। स्पोर्ट्स से संबंधित अगर उसमें पास हो जाते हैं तो उनका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, एडमिट कार्ड इशू करने के बाद उनका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद उनका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद उनको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होने के बाद उनके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ, A4 शीट पर आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा, किसको, जो आपका वो फॉर्म है ना नीचे की तरफ फॉर्म दिया हुआ, वो आपको A4 शीट पर निकलवाना होगा। इस फॉर्म को निकलवाने के बाद पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप ध्यान से भर लेना, कोई गलती ना हो। इसे भरने के बाद में आपको क्या करना होगा, 2 एनलफ लेकर के इसे भेज देना होगा, एक खाली एनलफ, एक जिस एनलफ में इसको आप रखते हो फॉर्म को, उस पर अपना दोनों, एक पर सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, एक पर आपको दोनों जगह का एड्रेस लिखना होगा। जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो, उनको जो ऑफलाइन फॉर्म वाले होते हैं उन्हें भी पता होता है, उनसे भी आप पूछ सकते हो, वरना आप कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अगर कोई डाउट रहा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मैसेज में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, जो भी आपको डाउट हो सके तो वैसे कमेंट के माध्यम से कोशिश करना, कमेंट का भी जवाब दे दूंगा मैं। आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।